दोस्तों, आप सभी ने एस्ट्रॉइड बेल्ट और काइपर बेल्ट के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज हम इस वीडियो में दोनों बेल्ट के बारे में और थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एक धूल, मिट्टी और कण से बना एक विशाल घेरा है और पूरा बेल्ट सूर्य की परिक्रमा करता है। नासा के मुताबिक एस्ट्रॉइड बेल्ट में गोल्ड, आयरन, निकेल, पानी और अन्य द्रव्यमान पाए गए हैं। यह बेल्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। एस्ट्रॉइड बेल्ट 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। एस्ट्रॉइड बेल्ट सूर्य से 32 करोड़ 91 लाख से 47 करोड़ 87 लाख किलोमीटर दूर है। आपको बता दूं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में अब तक 19 लाख छोटे बड़े ग्रह, पिंड, धूमकेतु है, जिनमें से 200 पिंड या धूमकेतु 100 किलोमीटर से भी जितने बड़े हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में अभी तक का सबसे बड़ा भवनाग्रह है, जो कि 945 किलोमीटर व्यास का है, जिसका नाम सेरिस है। और उसके बाद वेस्टा नामक भवनाग्रह है, जो कि 524 किलोमीटर इतना है। और उसके बाद पल्स, जो कि 512 किलोमीटर इतना है। और सबसे आखिर में हाइजिया, जो कि 434 किलोमीटर इतना बड़ा है। ये चारों बौने ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट के मुख्य ग्रह है। आपको बता दूं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट यह ठोस बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट को 1596 में सबसे पहले जोहान्स कैपलर ने देखा था। दोस्तों, यह रही एस्ट्रॉइड बेल्ट की जानकारी। अभी हम काइपर बेल्ट की जानकारी लेते हैं। काइपर बेल्ट भी एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही है। यह बेल्ट भी धूल, मिट्टी और कण से बना हुआ है। यह भी एक विशाल घेरा है, जैसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है। यह बेल्ट भी सूर्य की परिक्रमा करता है। नासा के मुताबिक इस बेल्ट में मीथेन, अमोनिया और पानी है, जो ठंड से बर्फ हो चुका है, क्योंकि यह सूर्य की ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए यह बेल्ट बहुत ठंडा है। काइपर बेल्ट वरुण ग्रह के ऑर्बिट से प्लूटो ग्रह के ऑर्बिट के आगे तक फैला हुआ है। यानी पूरा काइपर बेल्ट लगभग 3 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह बेल्ट सूर्य से 4 अरब 48 करोड़ से 7 अरब 47 करोड़ किलोमीटर दूर है। काइपर बेल्ट में करीबन 10 करोड़ छोटे बड़े ग्रह, धूमकेतु और अन्य कण हैं। काइपर बेल्ट में 35,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर व्यास के हैं। इस बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है प्लूटो भवनाग्रह, जो कि 2,376 किलोमीटर व्यास का है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इरिस आता है, जो कि 2,326 किलोमीटर व्यास का है। तीसरे स्थान पर हौमिया आता है, जो कि 1,632 किलोमीटर व्यास का है। और चौथे स्थान पर मैकमैक आता है, जो कि 1,430 किलोमीटर व्यास का है। काइपर बेल्ट की खोज सबसे पहले 1951 में जेराई काइपर ने की थी। इन्होंने कहा था कि वरुण ग्रह से प्लूटो तक बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए गए हैं। फिर फाइनली 1992 में काइपर बेल्ट की यह पहली तस्वीर थी, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर डेविड और जेनेट ने खींची थी। दोस्तों, आखिर में आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर यह दोनों बेल्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट में भी पावरफुल गुरुत्वाकर्षण होता तो यह दोनों बेल्ट नहीं होते, उस बेल्ट की जगह एक ग्रह होता। पर यह इसलिए नहीं हो पाया कि काइपर बेल्ट और एस्ट्रॉइड बेल्ट में ऐसा कोई पिंड, उपग्रह या धूमकेतु नहीं जिसकी बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, जो सारे बाकी पिंड या धूल को एक जगह एकत्रित करे और एक नया ग्रह उत्पन्न करे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।